इसी कड़ी में मैं काव्य प्रस्तुति हेतु आमंत्रित करना चाहूंगी प्रकृति चौधरी को कि वे आएं और अपने भावों को काव्य के माध्यम से प्रकट करें। प्रकृति चौधरी। प्यारे थे एक तरफ थे योद्धा सारे एक समय के मारे थे महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी और पार्थ के रथ को श्योम केशव हाँक रहे थे जी और पार्थ के रथ को श्योम केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे माधव ने अर्जुन को देखा अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला पांच जन्य उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला हुआ शंखनाथ जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्तन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पार्थ एक आंख को मीच जरा गांडी ऊपर रख बाणों को और प्रत्युंचा को खींच जरा और आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा कुतर गया। बोले पार्थ सुनो काना ये जितने सम्मुख खड़े हुए हैं हम तो सारे भाई इनसे सीख सीख कर बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है गुरु द्रोणा ने धनुष बाण का सारा ज्ञान बताया है सभी भाइयों पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने कमी ने छोड़ी कोई त्रिभु मात गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने के लायक हैं माना दुर्योधन दुस्साहसन थोड़े से नालायक हैं। मैं अपराध क्षमा करता हूँ बेशक हम ही छोड़ते हैं ये जैसे भी है माधव सब ताऊ के बेटे हैं और एक छोटे से भूभाग की खातर हिंसक नहीं बनूंगा मैं स्वर्ण त्याग कर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। अरे खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं परिवार मार कर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं तब अर्जुन पुनः कहते हैं कि हे पार्थ मुझे बतलाओ कुल नाशक कैसे बन जाऊं मैं रक्त सिंहासन लासो पर शासक कैसे बन जाऊं मैं कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं करने को जिनका स्वागत ये कर भी स्वयं जुड़ जाते हैं अपने बाणों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं केशव मुझको मृत्यु दे दो इससे पूर्व मरूंगा मैं थैंक यू सो मच।